तो मैं डॉक्टर नेहा जैन मेरे चैनल समाधान कॉस्मेटिक केयर में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर 42, 43, 44 है और हम सभी बहुत परेशान हैं गर्मियों से। और इसके अलावा हम एक परेशानी से परेशान हैं, वो है पिंपल्स होना। मेरे जो भी पेशेंट हैं पिंपल्स के, वो गर्मियों में बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि गर्मियों में पसीना बहुत अधिक आता है, स्किन हमारी ऑयली हो जाती है, ग्रीसी हो जाती है। ऑयली और ग्रीसी स्किन पर धूल मिट्टी जब चिपक जाती है तो लगातार रिकरेंस में एक्ने हो जाते हैं। और जब एक बार एक्ने होता है तो नीचे का ब्लड इन्फेक्टेड हो जाता है और वह ब्लड जब आगे भी फ्लो करता है तो और रिकरेंट इन्फेक्शन करता जाता है। और गर्मियों में जो बेसिकली हमारे पिंपल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा पकने वाले होते हैं, पस्टुलर पिंपल्स होते हैं, बहुत पेनफुल होते हैं। पेशेंट मेरे पास आते हैं और बोलते हैं, मैडम अभी तो इतने पिंपल्स से मैं परेशान हुआ, बहुत ज्यादा पक रहे हैं पिंपल्स, दर्द होता है, फेस भी जब मैं वॉश करता हूँ तो बहुत ज्यादा पेन होता है। तो गर्मियों में हम अक्सर परेशान होते हैं अपनी पिंपल्स की प्रॉब्लम से। लेकिन अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको आज ऐसे टिप्स देने वाली हूँ जिससे आपकी पिंपल्स की समस्या बहुत कम हो जाएगी। सबसे पहली बात, गर्मियों में हमें अपने चेहरे को 4 से 5 बार कम से कम धोना है। स्किन को अपने आप नॉर्मली सूखने दीजिए। जब भी पिंपल्स हो तब आपको रगड़ रगड़ के टॉवल नहीं यूज करना है। नॉर्मली अपने चेहरे को हल्के हाथों से, हल्का सॉफ्ट सा हैंकी हो तो हल्का सा टिप टिप करके आप पोंछ सकते हैं। पहली बात, पिंपल्स बहुत ज्यादा होते हैं गलत फेस वॉश करने से और गलत फेस वाइप करने से। गलत फेस वॉश अक्सर लड़कों की या कई बार लड़कियों की भी हैबिट होती है, फेस वॉश लेके जोर जोर से रगड़ते हैं। जब वो जोर जोर से रगड़ते हैं तो उसके कारण फेस पे ब्लड सर्कुलेशन जितना ज्यादा बढ़ जाता है तो इन्फेक्शन एक जगह का दूसरी जगह पहुंचने लगता है, इसलिए भी बहुत पिंपल्स होते हैं। दूसरी बात, पिंपल्स जो होते हैं वो जब आप वाइप करते हैं तो पहुंचते हैं तो रगड़ रगड़ के पहुंचते हैं, कई बार ब्लड भी निकल आता है पिंपल से, वो यहाँ का यहाँ भी लग जाता है तो उससे भी इन्फेक्शन होने लगता है। तो हमको वाइप भी रगड़ के नहीं करना है, पहुंचना भी नहीं है और रगड़ के हमको वॉश भी नहीं करना है फेस अपना। दूसरी बात, फेस को अच्छे से क्लीन तो हमें करना ही है, हैंड टचिंग नहीं करना है। अगर हमें पिंपल्स हो रहे हैं तो हाथ से निकालने की बिल्कुल आपको कोशिश नहीं करना है। इसके अलावा फेस पे ऑयली चीजें नहीं लगाना है। होम्योपैथी में एक लिक्विड और मदर टिंचर जिसे मैं कॉम्प्लेक्सन ड्रॉप के नाम से देती हूँ, और मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो अलग से बनाऊंगी, एक्वाफोलियम मेरे सारे ही पेशेंट लगभग मैं सबको ही देती हूँ। गर्मियों के लिए वो बेस्ट थिंग है, वो एकदम मॉइस्चर वाला नहीं होता, ऑयली नहीं होता है, चिपचिपा नहीं होता है, हल्का सा। आपको एक्वाफोलियम दिन में कई बार लगाए, और सनस्क्रीन भी लगाएं तो लोशन बेस्ड सनस्क्रीन आपको ज्यादा से ज्यादा लगाना है, क्रीम बेस्ड कम लगाना है, तो वो चिपचिपी नहीं होगी। मतलब ऐसा भी कोई भी चीज जो आपकी स्किन पे ऑलरेडी आपको ऑयल सीक्रेट हो रहा है और कुछ आप चिपचिपा लगाओगे तो स्किन बहुत ज्यादा ऑयली हो सकती है। हल्का सा आप पाउडर का टच दे सकते हैं, एकदम ज्यादा नहीं लगाना है, हल्का सा, इसलिए कि जिससे आपकी ऑयली स्किन ना हो। तो ये सब कारण होते हैं गर्मियों में पिंपल्स के होने के, और इस तरीके से आप प्रिवेंट कर सकते हो। इसके अलावा होम्योपैथी में कुछ स्पेशल मेडिसिन आती है जो गर्मियों के समय ही जो पिंपल्स होते हैं उस पर बहुत अच्छा वर्क करती है। जैसे पल्सिटिला, पल्सिटिला फीमेल के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन होती है, जिसके डिले मेंसेस हो रहे हैं, पीरियड्स डिले हो रहे हैं और बहुत हार्मोनल प्रॉब्लम हो रही है, पीसीओडी की समस्या है, वो सारे लोग पल्सिटिला उपयोग कर सकते हैं। दूसरी मेडिसिन आती है हिप्परसल्फ 200 भी उनको यूज करना है, जिनके वो बहुत ज्यादा पकने वाले पिंपल्स हो रहे हैं उनको हिप्परसल्फ को यूज करना है। हिप्परसल्फ बहुत ज्यादा पकने वाले अगर आपको पिंपल्स हो रहे हैं तो एकदम पस निकलता है इसके कारण से और बहुत पेनफुल होते हैं। और तीसरी मेडिसिन आती है बर्बेरिस एक्वाफोलियम। बर्बेरिस एक्वाफोलियम का मदर टिंचर लगाने के लिए भी बहुत अच्छा होता है और ये मेडिसिन भी खाने के लिए बहुत अच्छी होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप गर्मियों में पिंपल्स से परेशान हैं तो इन मेडिसिन को यूज करिए, मेरे ये टिप्स शेयर करिए। बालों में भी बहुत ऑयल नहीं डालें, ओवरनाइट ऑयल डालें आप हेयर वॉश करने के पहले, और थोड़ा सा गर्मियों में हेयर वॉश करने की फ्रिक्वेंसी ज्यादा कर दें। 8 दिन में कम से कम 2 दिन के गैप से आप हेयर वॉश करते रहें, ठीक है। तो ये फ्रेंड, आपको ये जानकारी कैसी लगी, मेरे चैनल को लाइक करिए, मेरे वीडियो को बहुत लाइक करिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कौन से मुझे वीडियो बनाना है, और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। धन्यवाद।